हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? और टाइम तो बहुत हो चुका है लेकिन आंसू अभी उठ नहीं रहा है, अभी वो सोया हुआ है। और आशी गई अपने मामा के घर पर, मामा उसको लेके चले गए थे कल 2-3 दिन के लिए, क्योंकि उनकी मामी, उसकी मामी अकेली हैं घर पे, तो वो मामा लेके चले गए थे उसके। और मैं ऐसी सुस्त इसलिए हो रही हूँ क्योंकि नाश्ता तो हम लोगों का सुबह हो गया था, 7:30-8 बजे से पहले ही हो चुका था, क्योंकि 7 बजे आज चले गए थे अपने सेंटर पे। और बेटे के उठने का इंतज़ार देख रही हूँ, दोपहर का खाना वाना बनाऊँगी मैं। अभी मेरा काम वैसे कुछ नहीं हुआ, झाड़ू वगैरह ही लगी है, पोछा ओछा कुछ नहीं लगा है। बच्चे उठ जाएंगे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, मन मेरा हो रहा था थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊँ, बैठी थी मैं पहले ही, मक्खियाँ लगती है मैं भाग जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ना बाहर बैठकर। हेलो एवरीवन, मैं बना रही हूँ ग्वार की फली। मैंने इनको साफ़ कर लिया है, ये देसी वाली ग्वार की फली नहीं है, दूसरी वाली है, बड़ी वाली। साफ़ करके पानी में भिगो के मैंने अच्छे से धो लिया इनको, पानी में भिगो के रख दिए थोड़ी सी देर के लिए, जो थोड़ा बहुत भी इनको कुछ लगा होगा हट जाएगा। 2 बार धोने के बाद अच्छे से भिगो के रख दिया। अभी ना मैं अच्छे से मसल के निकाल के थाली में निकाल लूँगी। और मैंने कुकर में ना तेल डाल दिया है, और मैं आज पहली बार इस तरीके से बना रही हूँ ग्वार की फली। नहीं तो मैं हल्की सी स्टीम लगा के इनमें और इन्हें निचोड़ के खूब सारा लहसुन डाल करके अलग तरीके से, मैंने वो भी मैंने दिखा रखा है वीडियो में किस तरीके से मैं बनाती हूँ, इस तरीके से मैं पहली बार बना रही हूँ। और मैं इसमें 2 आलू भी डालूँगी। ये हमारी बराबर वाली आंटी की स्टाइल की बना रही हूँ मैं, उन्होंने बताई थी हम ऐसे बनाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। मैंने चलो आज मैं भी ऐसी ट्राई करती हूँ। तो ये थोड़ी हटके बनेंगी, मतलब कुकर में देखो सूखी सब्जी कुकर में बनाना ये एक अलग बात हो जाती है, यूनिक सी बात हो जाती है, क्योंकि ये सब्जी ऐसी है कि इसको जितना आप कढ़ाई में अच्छे से भून के बनाओगे ना वो उतनी ही टेस्टी लगेगी। लेकिन आज मैं पहली बार देखती हूँ कुकर में कैसे बनती है। इसमें मैंने तेल डाल दिया है कुकर में, अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। अभी तो तेल हुआ नहीं है तो मैं थोड़ा सा इधर उधर काम कर रही थी। और हाँ, मुझे ये बताना कि कौन कौन इस तरीके से बनाता है, इन्हें ग्वार की फली बोलते हैं ना, तो कौन कौन इस तरीके से बनाता है। मैं तो पहली बार ही बना रही हूँ इस तरीके से। और इसमें सबको ही पता है इसमें लहसुन ज़्यादा सा अच्छा लगता है। मैंने 1 कटोरी लहसुन छील के काट लिया है, और साबुत मिर्च इसमें डलेगी, ज़रूर जाएगी। और हरी मिर्च मैं इसमें ही काट दूँगी, 2-3 हरी मिर्च काट दूँगी इसमें ग्वार की फली में। थाली में मैंने इसलिए निकाली, जो थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा तो वो थाली में ही रह जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालना होगा ना, सूखी सब्जी बनानी है। जैसे कि कभी कभार मैं गोभी आलू की सब्जी भी बना देती हूँ कुकर में, जब मुझे जल्दबाजी होती है सूखी सब्जी में बना लेती हूँ, बहुत बारी बनाती हूँ, लेकिन ये सब्जी मैं पहली बार ही बनाऊँगी। देखना मेरा इस तरीके से बनाने का तरीका, मैं कैसे बना रही हूँ। मैंने इसी में 2 आलू काट के धो के डाल दिए हैं, 3-4 हरी मिर्च काट के इसी में डाल दूँगी मैं। और अब मैं इसमें तड़का लगा दूँगी, बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तेल मेरा हो गया है, देखो ध्यान से धुआं निकल रहा है तेल में से भी। मैं इसमें जीरा डाल दूँगी, और मैं इसमें साउथ मिर्च डालूँगी, लाल वाली जो होती है सूखी हुई, वो पिन्नी में रखी हुई थी ना साउथ सारे मसाले, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया निकालने में। थोड़ा सा मैं इसमें हींग डालूँगी, फिर जब ये चटक जाएगा तो मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। देखो लहसुन कितना सारा है, मैंने लहसुन बहुत सारा इसके लिए काटा था, क्योंकि इसमें लहसुन बहुत अच्छा लगता है। पूरी 1 कटोरी भर के मैंने लहसुन लिया था, पूरी 1 कटोरी बारीक बारीक काट लिया इसको मैंने। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, लहसुन जब भुन जाएगा तो मैं ये आलू और ये डाल दूँगी ग्वार की फली, इनको भूनती रहूँगी मैं। इसी में सारी सब्जी ये डाल दूँगी, ग्वार की फली भी, आलू भी, लहसुन मेरा भुन गया है। अब मैं इसमें डाल के इसको खूब अच्छे से भूनती रहूँगी, इसी में चलाती रहूँगी। बेटा मेरे आसपास आता जाता है, देखो बार बार, उसको बेचैनी सी रहती है, मैं काम में लगी होती हूँ तो ये मुझसे, दीदी नहीं है ना उसकी, दीदी होती है तो उसी के पास बैठा रहता है। अब वो मेरे पास आता है, घूमता फिरता मेरे पास आता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, देखो आसपास ही रहेगा ये मेरे। और मैंने दोनों सब्जियां इसमें डाल दी है। जब सब्जियां ये अच्छे से चला लूँगी, इसी के ऊपर मैं मसाले डाल दूँगी। मसाले वही बेसिक मसाले, लहसुन, वो नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था, और मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला भी डाल दिया था, हल्दी भी डाल दी थी। और जब ये मसाला भुन जाएगा, क्योंकि पानी इसमें इतना था सब्जी में कि भी धोने के बाद एकदम तुरंत इसमें डालिए, पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे मसाले जलेंगे। नमक डाल के अब इसको मैं अच्छे से चला लूँगी,
जब ये अच्छे से भुन जाएगा मसाला, पता चल जाती है देखो भुन गया है, अब इतनी थोड़ा चलाती रहूँगी, पता चल ही जाती है जब हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं कि मसाला भुना है या नहीं भुना है। जब मसाला भुन जाएगा तो मैं इसको सीटी लगा करके बंद, मतलब कुकर का ढक्कन लगा करके बंद कर दूँगी, एक सीटी लगा लूँगी। इतने ही ये भुन रहा था तो मुझे लगा चलो मैं दूध ही उबलने के लिए रख देती हूँ। अच्छा दूध उबलने रखती हूँ, मैं भूल गई थी गिलासी में निकालना, अब मैं गिलासी में निकालूँगी उसके सुबह को मंदिर ले जाने के लिए, फिर मुझे वहाँ पे लेना नहीं होता है। अगर मैं रात को ही शाम को ही कच्चा दूध बचा कर रख देती हूँ तो ठीक रहता है उससे। अब मैं क्या करूँगी, देखो मैं बार बार चला रही हूँ ना इसको, जब मुझे लगेगा हाँ अच्छे से भुन गया है मसाला, तेल अलग हो जाएगा सब्ज़ी में से। अच्छा खासा ऑयल डाला था मैंने, क्योंकि कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है सूखी सूखी होती हैं और ऊपर से तेल भी ना डालो तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब मैं क्या करूँगी, इसका ढक्कन लगा दूँगी, इधर आटा मल के रख लूँगी, बन गई मेरी सब्ज़ी। बस ज़रा सी देर का काम होता है, जब तक मैं किचन में नहीं आती, लेकिन जब किचन में आती हूँ तो अपना पूरा प्रॉपर काम ख़त्म करके ही मैं जाती हूँ। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आज की, और बहुत छोटा सा व्लॉग, क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग का कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का, एक तो कोई भी देखना पसंद नहीं करता है, और फिर जो चीज़ मैं दिखाना चाह रही हूँ, देखो मैंने आज जिस तरीके से यूनिक तरीके से सब्ज़ी बनाई है, मैं कभी नहीं बनाई, तो मेरे लिए तो ये यूनिक तरीका ही है, तो मैं इसको बना करके अपना आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अच्छा मेरा, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना जी। जब हम इसे कुकर को खोलेंगे ना तो इसमें पानी तो नहीं था, लेकिन जैसा कढ़ाई में सूखी सब्ज़ी अच्छे से भून लेते हैं ना, मैं इसको तेज़ आँच पर बहुत अच्छे से भून लूँगी, बिल्कुल ड्राई कर दूँगी, इस तरीके से भून लूँगी कि कुकर में हल्की सी लगनी शुरू हो जाए। देखो कितनी अच्छी बनी है ना, मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, और आप लोग ज़रूर ट्राई करना एक बार, इस तरीके से बना करके देखना। देखो एक तो बनी बहुत जल्दी, अगर आप लोगों को जल्दबाजी है, मान लो सुबह टिफ़िन में पैक करनी है, और सुबह के समय हम लोग ये सब्ज़ी जल्दी बनाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है, आप इस तरीके से ट्राई करना, बहुत अच्छी